दिलचस्प डिस्कशन है। वैसे कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं तो ये भी ना पिच कैसी बनानी है, अच्छी खासी हमने अपनी पिचों का कबाड़ा कर दिया पिछले साल आके, आपने देखा पिंडी जैसी पिच, स्पोर्टिंग विकेट, साउथ अफ्रीका आती है, मजेदार टेस्ट मैच हुआ, रिजल्ट हुआ, फेवर में गया, लेकिन फिर डेड विकेट बना दी हमने और देखिए फिर उसमें क्या हुआ। देखिए मैं तो अपने प्लेइंग डे से देख रहा हूँ, आज तक हमने अपने मतलब की विकेट बनानी नहीं आई। इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर एक मिनट में दे देता हूँ, मेरा डेब्यू टेस्ट था जी, इमरान खान कप्तान थे, लाहौर में मैच था और इमरान खान जब होते थे तो हमें बीइंग ए फास्ट बॉलर हमें एडवांटेज, वो एक अच्छी से अच्छी विकेट बनवाने की कोशिश करते थे। सही। तो जब वो पहला टेस्ट मेरा पहला था, वैसे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तीसरा टेस्ट मैच था, तो इमरान खान ने बड़ा उसको, बशीर साहब होते मरूम बिचारे, उनको कहा ऐसा करना ऐसा करना, बड़ी टॉप ग्रीन पिच बनी राइट, ऐसी सॉफ्ट, उस पर जो अच्छी हमें शक्ल से लग रही है बहुत अच्छी है। मैं भी खुश हो गया, मेरा डेब्यू, मैंने कहा ये तो मजे आ गए। अच्छा जी, हमने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करा दी, पहला ओवर इमरान खान आए बाहर भाग के, उस पर पीक पे थे, पहला बॉल के दो बाउंस पे विकेट कीपर को, अब इमरान खान रिएक्शन, वो मुड़े बशीर शबीर भाई उसको बशीर को देखा और फिर जो कहा वो मैं नहीं बता सकता। तो इमरान खान जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी के दौरान भी हम वो पिच नहीं बना पाते, तो हमें बनानी नहीं आती, उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए, मगर हमारे यहाँ अच्छी पिचेस हमने डोमेस्टिक में खेली हैं, यही पॉइंट, ये नहीं पता कि वो कौन बनाता था कैसे बना लेता था, या तो उसका जब कोई अच्छी पिच बने तो जाहिर है उसका रिकॉर्ड रखो भी कैसे कैसे बनी हो, कोई कोई लॉग होना चाहिए। फार्मूला है वन डे T20 और फोर डे का, थोड़ा मैंने भी पढ़ा है पिछले, मगर सबसे मुश्किल काम पिच को रीड करना है क्रिकेट में, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, रीड करना, ये क्या खेलेगी जी, ये बड़ा मुश्किल काम।